Hello students, welcome to Abbas Academy. This video is very special because this is the first chapter of your 9th standard history and political science. Okay, as a chapter name is the sources of history. Aur sabse pehle bata do ki in this year you are going to learn the post independence history. Post means afterwards, independence yani azadi ke baad 1947 onwards, 1947 se leke 2000 tak ke jitne important events India mein hue. Right, that we will see in this book of your 9th standard. सबसे पहले आ जाते हैं कि why do we have subject like history and civics or civics? अब आपको है political science. Civics की जगह क्या word use हो रहा है? Political science. History means to learn from past. Political science means the study of the rights and duties of citizens, to know administration from local bodies to the parliament of a nation. कि political science के जरिए आप इस साल की जो political science है उसमें आप क्या सीखोगे? आप सीखोगे कि यूनाइटेड नेशन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, उसका रोल क्या है. मीन्स इस तरीके से एक लोकल लेवल पे हमने देखा कि एक ग्राम पंचायत है, लोकल लेवल पे महानगर पालिका है, कॉरपोरेशन है, स्टेट लेवल पे असेंबली है, और कंट्री लेवल पे, देश लेवल पे एक पार्लियामेंट है. तो इस तरीके से इंटरनेशनल विश्व लेवल पर, दुनियावी लेवल पर क्या है? यूनाइटेड नेशन, जो कि इस सिलेबस का पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा है. ओके, अब देखिए हिस्ट्री इज मोस्टली आपने एंशियन, मेडिवल एंड मॉडर्न डिवाइड हुई है. एंशियन हिस्ट्री आपने 6th स्टैंडर्ड में सीखी, मेडिवल 7 में, मॉडर्न 8th स्टैंडर्ड में सीखी, और इस साल मतलब 9th स्टैंडर्ड में आप सीखने जा रहे हो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री. नो सोर्सेज ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री आर द ओरल सोर्सेज, रिटर्न सोर्सेज, मटेरियल सोर्सेज एंड ऑडियो विजुअल सोर्सेज. अब इसको डीप में देखेंगे कि ओरल सोर्सेज है क्या. मतलब ओरल सोर्सेज एट दैट टाइम, मतलब दोज योर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर के अगर पिताजी होगी तो वो आपको बता सकते हैं ओरल सोर्सेज व्हाट वाज द इंपॉर्टेंट इवेंट्स बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस. राइट रिटर्न सोर्सेज मीन इन अ रिटर्न फॉर्म, लाइक न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, पीरियोडिकल्स. राइट, यू कैन सी हियर द टाइप्स ऑफ द रिटर्न सोर्सेज आर द न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल, डायरीज, रेफरेंस बुक, करस्पॉन्डेंस, पोस्टेज स्टैम्प्स, इंसाइक्लोपीडिया. इंसाइक्लोपीडिया इज लाइक अ बुक हैविंग द लॉट ऑफ जनरल नॉलेज. ना पोस्टेज स्टैम्प्स, पोस्टेज स्टैम्प्स का भी पोस्ट का टिकट रहता था. क्या अगर हम अभी देखिए आप टेली कम्युनिकेशन इंटरनेट के दौर में हम जी रहे हैं, तो यहाँ पर हम सेकंडों में, मिनटों में, हमारे जो सेकंडों में मैसेज एक जगह से दूसरी जगह दुनिया के जा सकता है. लेकिन पहले क्या होता था कि मैनुअली अगर किसी को मैसेज भी भेजना है, लेटर भी भेजना है, तो उसको पोस्ट ऑफिस में एक पोस्ट टिकट लगा के भेजना पड़ता था. तो वह है पोस्ट स्टैम्प टिकट. ना गवर्नमेंट गेजेट्स, गवर्नमेंट गेजेट्स ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स है. अगर कोई बिल कानून बन जाता है तो वो गवर्नमेंट गेजेट में शामिल हो जाता है. ओके, डॉक्यूमेंट इन आर्काइव्स, डॉक्यूमेंट्स इन आर्काइव्स. आर्काइव्स क्या है? आर्काइव्स आर द प्लेस वेयर द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्वड, जहाँ पर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करके रखा जाता है. एशिया का सबसे बड़ा आर्काइव्स कहाँ पर है? एशिया में है, हमारे न्यू दिल्ली इंडिया में. एशिया का सबसे बड़ा आर्काइव, एशिया मतलब एशिया इज वन ऑफ द कॉन्टिनेंट, वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड आउट ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट. उसमें से एशिया का सबसे बड़ा आर्काइव जो है न्यू दिल्ली में है. राइट, आर्काइव क्या है? द प्लेस वेयर द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व. नाउ दे आर द एग्जाम्पल ऑफ द मटेरियल सोर्सेज. अब ये कॉइन्स है, अब देखिए 2 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, राइट, ये सब बंद हो चुके हैं. अभी 1 रुपये, कम से कम 1 रुपये चलता है. तो ये सब दे आर द मटेरियल सोर्सेज और फिजिकल सोर्सेज ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा. ओके, इसके अलावा आप देख लो कि ये एक क्या है, इंडिया गेट. इंडिया गेट इज़ द पार्ट ऑफ द मॉडर्न सोर्स ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि अंग्रेज, इंडिया गेट कब बनाया गया? इंडिया गेट बनाया गया ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड ऑफ हिस्ट्री. द प्लेसेस वेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व इज कॉल आर्काइव्स, जो कि आपने देख लिया मेन ऑफिस का जो है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया एट न्यू दिल्ली. नाउ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर इज द रिटर्न सोर्स. न्यूज़पेपर इज नोन एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इन द मॉडर्न पीरियड. दे ऑल्सो द मेजर ऑफ मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन. तो न्यूज़पेपर से ना सिर्फ आपको करंट इवेंट्स पता चलते हैं बल्कि इंटरनेशनल अफेयर्स पता चलते हैं. एंड डेली आपकी नॉलेज, आपके डिफरेंट नॉलेज हो, हेल्थ हो, इकोनॉमी हो, एग्रीकल्चर न्यूज़ हो, मॉनसून हो, है ना, हिस्टोरिकल इवेंट्स हो, ज्योग्राफिकल नॉलेज हो, लॉट ऑफ न्यूज़पेपर्स आर द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. अब आ जाते हैं कि द सोर्सेज ऑफ द न्यूज़पेपर इज द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो कि 1953 में इस्टेब्लिश किया गया. 1990 तक की वो अपनी न्यूज़ किस फॉर्मेट में दिया? ऑफलाइन मोड में. लेकिन 1990 ऑनवर्ड्स
दैट यूज बाई स्टार्टेड द यूजिंग द सेटेलाइट ब्रॉडकास्ट. अब सेटेलाइट ब्रॉडकास्ट से ये हो गया कि मतलब हर जगह न्यूज जाने लगी. अब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया इट इज़ द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. लाइक कि आप देखा होगा आपने कभी भी न्यूज़पेपर में कोई भी इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज़ आती है तो सोर्सेस लिखा रहता है, तो सोर्सेस मीन्स PTI मतलब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की के जरिए न्यूज़ हमने हासिल की है. नो ब्रॉडकास्ट पब्लिकेशन डिवीजन ऑफ इंडिया दैट इज द इट इज़ द डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंडिया. इट पब्लिश द एवरी ईयर इंडिया ईयर बुक. इंडिया ईयर बुक में बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स यानी हर साल. अब इंडिया ईयर बुक में सिंपल बता दूँ कि इंडिया की हम इंडिया में रहते हैं, अगर हम इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं व्हाट इट्स पीपल लैंड इट्स पीपल नेशनल एम्ब्लेम पॉलिटिकल सिस्टम डिफेंस कल्चरल इवेंट्स एंड अकाउंट्स ऑफ द डेवलपमेंट इन द फील्ड्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोशल वेलफेयर मीडिया ऑफ मास कम्युनिकेशन एवरीथिंग अबाउट इंडिया इज प्रेजेंट इन द इंडिया ईयर बुक. दूसरा इंपॉर्टेंट है जल कूपर. जल कूपर स्टैम्प इन 1977 द जल कूपर वॉज इंटरनेशनली अक्लेम द फिलैटलिस्ट. फिलैटलिस्ट मतलब उस फील्ड को कहते हैं एक्सपर्ट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द पोस्टेज स्टैम्प्स बॉर्न इन पारसी हाउस होल्ड्स इन मुंबई. तो ही वॉज द जल कूपर वॉज द वन ऑफ द ग्रेट फिलैटलिस्ट. तो उनके ऊपर आप देखिए पोस्टेज स्टैम्प का आप देखोगे कि पोस्टेज स्टैम्प अगर आपके एरिया में पोस्ट ऑफिस होगी तो आप पोस्ट स्टैम्प का यूज़ और चलन बहुत ही कम हो गया है. तो आप पहले जब बहुत यूज़ होता था आज से 10-15 सालों पहले क्योंकि इंटरनेट उस वक्त नहीं था. अभी सारी चीज़ इंटरनेट के माध्यम से हम कोई भी ईमेल रहा कोई भी डॉक्यूमेंट रहा टेलीग्राम या व्हाट्सएप के जरिए इंस्टेंटली शेयर कर सकते हैं. लेकिन इससे पहले ये चीज़ जब पॉसिबल नहीं थी तो पोस्टेज स्टैम्प मतलब इट इज़ लाइक अ टिकट. अगर मुझे कुछ बुक एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो मैं पोस्ट ऑफिस जाऊँगा वहाँ पे 20 रुपये का जितना भी उसका अमाउंट वेट रहेगा वेट के हिसाब से टिकट लगेगा वो टिकट उस पर पेश करूँगा. तो पोस्टेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्टेज स्टैम्प पर आप देखोगे तो डिफरेंट फ्रीडम फाइटर के फोटो रहेंगे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के फोटो रहेंगे राइट. तो उनके इन अ मेमोरी ऑफ देयर पर्सनैलिटी इन अ मॉन्यूमेंट्स की यादगार में या फ्रीडम फाइटर्स की यादगार में उनका फोटो या इमेजेस के मॉन्यूमेंट्स के फोटो डाले जाते हैं. नो मटेरियल सोर्सेज यू कैन सी द कॉइन्स है हमने ऑलरेडी देख लिया म्यूजियम्स है थिंग्स इन डेली यूज क्लॉथिंग रॉयल सेल्स मॉडर्न आर्किटेक्चर्स एक्सेट्रा. अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के सोर्सेज है वो ऑडियो विजुअल है. ऑडियो मीन्स ना सिर्फ हम सुनाई देगा बल्कि दिखाई भी देगा लाइक ए टेलीविजन फिल्म्स इंटरनेट आर कॉल्ड द ऑडियो विजुअल मीडिया. मेनी डोमेस्टिक इवन द फॉरेन चैनल्स भी लाइक हिस्ट्री चैनल्स डिस्कवरी चैनल्स ऑल्सो दे आर द फॉरेन चैनल वी कैन एक्सेस थ्रू आवर विलेज और आवर होम राइट बिकॉज ऑफ द इंटरनेट. एंड फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये बनाने का ये कब बना ये 1960 में बनाया गया. इसका हेडक्वार्टर जो है पुणे में है FC रोड फर्ग्यूसन कॉलेज रोड पर है ये. इसका मेन पर्पज़ ये है टू प्रोवाइडिंग द पब्लिक एजुकेशन राइट. और उन्होंने बहुत से डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है. डॉक्यूमेंट्रीज किसे कहते हैं डॉक्यूमेंट्रीज आर नथिंग बट द स्मॉल वीडियोज ऑन हिस्टोरिकल इवेंट्स लाइक हाउ इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स पर है डॉक्टर अम्बेडकर पर है महात्मा गांधी जी पे स्मॉल डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है कुछ इलाकों पे डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है. ओके सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑफ दिस चैप्टर. नाउ वी विल सी द क्वेश्चन. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट वन. नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली. द आंसर इज न्यू दिल्ली. दैट एड्रेस इज इंक्लूडेड अमंग द ऑडियो विजुअल मीडिया. ऑडियो विजुअल देखिए न्यूज़पेपर इज ओनली द रिटन सोर्स. ऑल इंडिया रेडियो सिर्फ ऑडियो है टेलीविजन ऑडियो विजुअल दोनों है एंड पीरियोडिकल्स ओनली रिटन सोर्सेज. सो टेलीविजन इज ऑडियो विजुअल. नेक्स्ट द एड्रेस इज नॉट इंक्लूडेड इन अ फिजिकल सोर्स. फिजिकल सोर्स में क्या है कॉइन्स है बिल्डिंग्स है ऑर्नामेंट्स है बट प्रोवर्ब्स प्रोवर्ब्स आर द लाइक गरीबी हटाओ राइट. इट इज अ प्रोवर्ब्स गिवन बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट राइट. तो प्रोवर्ब्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द फिजिकल सोर्स. नाउ आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर्स. इसमें से कुछ राइट है आपको रॉन्ग पकड़ना है. जल कूपर प्रसन्न था इनको इनकी स्पेशलिटी क्या थी फिलैटलिस्ट है. फिलैटलिस्ट मतलब अ पर्सन एक्सपर्ट इन अ पोस्टेज स्टैम्प्स. ओके कुसुमगराज इज अ पोएट बिल्कुल राइट है. अन्ना बहु साहब साटे अ पीपल्स बर्ड ये भी राइट है. अमर शेख बट अमर शेख इज नॉट अ आर्ट कलेक्टर. अमर शेख जो थे दे आर द फोक टॉकर्स थे राइट. सो आर्ट कलेक्टर नहीं थे ये रॉन्ग है राइट. राइट अ शॉर्ट नोट. रिटन सोर्सेज पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है.
तो देखिए आप आंसर कैसे स्टार्ट करते हो, रिटर्न सोर्सेज साइड हेडिंग लिखना और उसके बाद आप अपने डायग्राम बना सकते हो और कुछ दो लाइन लिख सकते हो। द रिटर्न सोर्सेज इंक्लूड द न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल, डायरीज, रेफरेंस बुक्स, डॉक्यूमेंट्स इन अदर आर्काइव्स। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। सेकंड पॉइंट लिख लिया जस्ट एज अ न्यूज़पेपर के न्यूज़पेपर आर कंसिडर एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इन द मॉडर्न पीरियड, दे आर ऑल्सो द मेजर मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन। ये सेकंड पॉइंट हो गया आपका। थर्ड पॉइंट ये लिख सकते हो कि सो इफ यू कंसिडर द थर्ड पॉइंट, इफ यू कंसिडर द पीरियड बिटवीन फ्रॉम 1961 टू 2000, वी सी दैट इन द बिगिनिंग देयर वॉज नो अल्टरनेटिव टू द प्रिंट मीडिया, स्पेशली न्यूज़ पेपर। इतना भी लिखा काफ़ी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI। सो इन द फर्स्ट पॉइंट, आफ्टर द 1953 द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हैज़ बीन इन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्राइमरी डिटेल्स ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट इवेंट्स एंड आर्टिकल्स ऑन द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। हो गया फर्स्ट पॉइंट, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड द रिपोर्ट्स, फोटोग्राफ्स एंड आर्टिकल्स ऑन फाइनेंशियल एंड साइंटिफिक इशूज टू न्यूज़ पेपर। PTI हैज़ नाउ स्टार्टेड इट्स ऑनलाइन सर्विस। इतना भी लिख दिया काफ़ी है इसके लिए। तीन पॉइंट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोस्टल डिपार्टमेंट ट्राइज टू प्रिजर्व द हेरिटेज एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडियन कल्चर थ्रू द पोस्टेज स्टैम्प्स। अब गिव रीजन में इसका आंसर किस तरीके से लिख सकते हो आप ना, तो इसका आंसर आप लिख सकते हो ऑन पेज नंबर 2 पर है। देर हैव बीन अ सेवरल चेंजेस इन पोस्टेज स्टैम्प्स सिंस इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। फर्स्ट पॉइंट हो गया, पोस्टेज स्टैम्प रिवील्स अ लॉट ऑफ टू अस अबाउट चेंजिंग द टाइम ड्यू टू द वैरायटी इन द साइजेस ऑफ द स्टैम्प्स, द नोविलिटी इन देयर सब्जेक्ट्स एंड कलर स्कीम। ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट लिख लो, द पोस्टल डिपार्टमेंट इशूज द पोस्टेज स्टैम्प्स ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ थीम्स लाइक पॉलिटिकल लीडर्स, फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इवेंट, सिल्वर और गोल्डन, डायमंड जुबली और सेंचुरी और बाई सेंचुरी, ट्राई सेंचुरी ऑफ अ डिफरेंट इवेंट्स। तो ये क्या है, दे आर प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल टू प्रिजर्व द हेरिटेज एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडियन कल्चर थ्रू द पोस्टेज स्टैम्प्स। क्योंकि क्या करते हैं, वो पब्लिश करते हैं डिफरेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के, हमारे फ्रीडम फाइटर के इमेजेस ऑन द पोस्टेज स्टैम्प। तो इस तरीके से वो प्रिजर्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडियो विजुअल मीडिया आर इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। सो इट्स आंसर, यू कैन राइट दैट द टेलीविजन एंड फिल्म्स, इंटरनेट आर कॉल्ड द ऑडियो विजुअल मीडिया। मेनी डोमेस्टिक एंड फॉरेन टेलीविजन चैनल ऑल्सो कम अंडर दिस हेड, एंड बिकॉज ऑफ द ऑडियो विजुअल मीडिया द न्यू जनरेशन कैन टेक अ इंटरेस्ट मोर इन द ऑडियो विजुअल मीडिया लाइक अ इंटरनेट, यूट्यूब्स, यूट्यूब वीडियोज और टेलीविजन एक्सेट्रा। सो दैट्स वाई वट एवर द हिस्टोरिकल इवेंट्स दे विल बेटर अंडरस्टैंड एज कम्पेयर टू द अदर सोर्सेज ऑफ द पोस्टेड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, लाइक एज कम्पेयर टू द रिटर्न सोर्स, एज कम्पेयर टू द ओरल सोर्स, द ऑडियो विजुअल सोर्सेज आर मोर रिलेवेंट एंड ऑथेंटिक, राइट? सो इन दिस वे यू विल गेट अ गुड आंसर एंड गुड मार्क्स। Thank you, have a nice day, and don't forget to like our video and subscribe our channel, Abbas Academy.